धनराज साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? पूछिए। हेलो सर, मैंने एनएचपीसी बाय किया था 115 पे, 1000 शेयर्स। और कितनी अवधि के लिए बाय किया था? छोटी अवधि के लिए, लंबी अवधि के लिए? ये तो शॉर्ट टर्म के लिए था सर, बट द स्टॉक इज गोइंग डाउन नाउ, सो व्हाट्स द टेक? तो कोई स्टॉप लॉस फॉलो किया नहीं आपने धनराज जी? नहीं किया सर। नन्ना जी देखिए, स्टॉक अच्छा है, अभी कुछ देर पहले डॉक्टर साहब ने इसमें खरीदारी की राय भी दी है और वापस भी ऊपर आई जाएगा, लेकिन बाजार का बेसिक प्रिंसिपल जो है वो यही कहता है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपका सबसे बड़ा साथी है, तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। इस पोजीशन में नहीं लगाया चले कोई बात नहीं, तो आपको एक बार आप एस्केप कर सकते हो इस तरह की सिचुएशन से, लेकिन बार बार एस्केप करना थोड़ा रिस्की हो सकता है कभी कभी। सो डॉक्टर साहब, एनएचपीसी अभी आपने थोड़ी देर पहले रिकमेंड भी किया, इनके लिए कुछ खास आप कहना चाहो? देखिए, मैं ये कहूंगा कि 1000 शेयर लिए हैं, अगर आप कोशिश करें 500 शेयर और ले पाए तो आपकी थोड़ी एवरेज बेहतर हो जाएगी। 115 117 का ही टारगेट है, तो एटलीस्ट उस टारगेट का इंतजार करते साथ में प्रॉफिट आ जाए तो फिर चौका लग जाए। तो यहां पर थोड़ा सा आप जो है वो एवरेज अगर कर सकेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप स्टॉक को होल्ड करके रखिए और सुमित भाई ने जो कहा उसको बिल्कुल फॉलो करिए। देखिए, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिन जो कि रिवर्सल की तरफ ज्यादा जल्दी आ जाते हैं, इसलिए एनएचपीसी में चिंता नहीं, बुखार नहीं, आराम से आप बने रहिए। लेकिन बहुत से ऐसे स्टॉक होते हैं जो कि रिवर्ट नहीं करते हैं, इसीलिए स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना चाहिए। लेकिन फिलहाल इसमें आप थोड़ा सा एक अगर एवरेज कर सकेंगे तो बहुत बेहतर होगा। 98 का स्टॉप लॉस लगाइए और अभी बने रहिए, 115 और 117 के टारगेट आएंगे, तो इस बार 117 आने पर रुकिएगा नहीं, थोड़ा बुक कर लीजिएगा। तो आपको अभी तो बने रही है 98 का स्टॉप लॉस।